सौ समय उसकी प्रस्तुति होनी है और सौ समय उसका आगाज होना है। हमारी स्कूल की बच्चियां बीच अटूट रिश्ता भाई और बहन के बीच के प्रेम को उजागर करता हुआ ये पवित्र धागा है जल और नभ तीन रुपयों को यह प्रदर्शित करता है। ये हमारे तीन रुपया है और ये रुपया अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहती है और हमारे देश के वीर जवानों और सपूतों को नमन करते हुए पाठ पाठ करते हुए रुपया गलत के तौर पर चिरकती हुई आपके सामने कालकटी करते हुए राष्ट्र को एक एकता अखंडता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए तैयार है कदम ताल कर रही है हमारे विद्यालय की मोहिदेव मेमोरियल स्कूल की छात्रा से। दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है ऐसा संघर्षों। हम सभी हर साथी एक हैं और खासकर उस क्षण के इंतजार में है जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं, उस पल के इंतजार में है जब हमारे सम्मुख हमारे नजरों के सामने ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा और ये झंडा ये तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। ये तिरंगा तीन रंगों का प्रतीक, केसरिया शौर्य का प्रतीक, श्वेत शांति का प्रतीक, हरा समृद्धि का प्रतीक, शौर्य शांति और समृद्धि का प्रतीक। ये बताता है कि भारत वीर प्रसूता रही है, भारत की भूमि सदैव वीर प्रसूता रही है, ये वीरों की जननी है और यहाँ अनेकानेक वीरों की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। तो ये केसरिया बताता है कि भारत कभी वीरों से अछूता नहीं रहा, ये वीर भूमि है। दूसरा शांति का प्रतीक जो ये हमारा श्वेत है कि भारत हर हमेशा शांति में विश्वास करता है। दुनिया का शायद पहला राष्ट्र जो किसी पर भी कभी आज तक आक्रमण नहीं किया। और अब मैं चाहूंगा कि वंदे मातरम की बच्चियां तैयार हैं और और जैसा कि आप सबों के बीच मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर बीके सिंह सर और उनके साथ में उपाचार्य महोदय डॉक्टर आनंद दिवाकर सर और
ये झंडम तोलन का कार्यक्रम होगा और ये झंडा ये तिरंगा लहराता हुआ Oh,
फोटो लीजिए ना, फोटो लीजिए सर। मोहिनी देवी
मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य श्री बी एन झा डॉक्टर बी एन झा सर, मेरे सहकर्मियों एवं मित्रों, उपस्थित आरएस के प्रबुद्ध नागरिकजन, आज आपके बीच इस मंच से उद्बोधन तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद कराना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी शिद्दत के बाद मुझे यह स्वतंत्रता मिली हम भारतवासियों की। इस स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखने का हमें हर क्षण प्रयास करना है, प्रतिपल प्रयास करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। आए हुए अति भूजन सभी शिक्षक वृंद, ये कविता उन वीर शहीदों के लिए है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कविता शुरू करता हूँ। मैं अमर शहीदों का वंदन उनके गुणगाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है कि उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्निल निधियां भी उनने जीवन में पाई थी, पर माँ के आंसू देख उनने सब सरस फुहारें लौटा दी, कांटों का पटका वरण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित फूल नहीं वो निज मस्तक लेकर ही दौड़े। भारत का खून नहीं पतला, भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहा के दिखा गए जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। मैं उन गाथाओं से सर्द खून को गरमाया करता रहता हूँ। मैं अमर शहीदों का बंधन उनके गुणगाया करता हूँ। रुकिए, है अमर शहीदों की पूजा, है अमर शहीदों की पूजा, हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे ही है माँ की कोख धन्य, उनसे पावन है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ, गिरता है उनका रक्त जहाँ, वो ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वो रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का उचित सम्मान करे, मस्तक देने वालों पर वह युग युग अभिमान करे। मैं अपने जिद कर बैठे तो हरना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो हरना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी। उसके मिलने जाती है और मार होने लगती है तो भगत सिंह मुझसे कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, कल तेरे बेटे को फांसी होगी। कहा, नहीं रे पगले, मैं इसीलिए नहीं रो रही हूँ। मैं रो तो इसीलिए रही हूँ कि दो चार और भगत सिंह मुझे करेंगे। उसे बुलाने से पहले मैं एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा, तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। रसगुल्ला खाइए लीजिएगा तो हम लोग।